मुझे मेरा तो जहां तक सवाल है, बाकी तो आप पूछोगे तो बाद में पूछोगे, लेकिन हरियाणा के बारे में बताऊंगा। जो 100 दिन हुए इनके, आई आई एस अरोड़ा साहब बैठो, जो इनके 100 दिन हुए हैं, इसमें खास तौर पे कोई काम तो इन्होंने किया नहीं, बातें बातें करी हैं, भाषण बहुत हो गए। हरियाणा को शासन की जरूरत है, भाषणों की जरूरत नहीं, इनके भाषण भाषण है। अब जैसे ओलावृष्टि हुई, उसकी बहुत जगह स्पेशल गिरदावरी भी नहीं करी गई और किसान आज उसमें संकट में है। ट्यूबवेल जो कि 10,000 में लगता था, आज 2,00,000 के करीब लगता है। तो हर तरह से किसान की लागत बढ़ाई जा रही है। ये जो 152D ग्रीन कॉरिडोर की सड़क बन रही है, 8-9 जगह धरने चलने किसानों को, कई मर भी चुके, लेकिन सरकार ने अब तक सुध नहीं ली। घोटाले पे घोटाला हो रहा है, माइनिंग का घोटाला आपके सामने है, उसकी CAG की रिपोर्ट आपके सामने है, 1,500 करोड़ का घोटाला है वो तकरीबन। उसकी कोई इन्होंने, हम जांच की मांग कर रहे हैं, कोई जांच उसकी नहीं कराई। आपका जो धान की खरीद का घोटाला है, ये तो अपने आप में एक मिसाल होगी। कई दफ़ा अलग अलग मंत्रियों के बयान आते हैं, कोई तो कहता वेरिफिकेशन करा रहे हैं, कोई कहता कोई घोटाला नहीं है। और इनका जो अपने HS है, अपना प्रसाद दास, तो PK दास, उसने कहा 90 करोड़ का घोटाला है। 90 करोड़ का घोटाला नहीं है, ये घोटाला सैकड़ों और हजारों करोड़ का घोटाला है। क्योंकि जो ब्यौरा इन्होंने कलेक्ट किया है कि कितने लोगों ने धान बोया और कितनी खरीद हुई, आम तौर पे हरियाणा में प्रति एकड़ एवरेज जो है 25 से लेकर 30 क्विंटल की आती है, और इनके देखें तो एवरेज 65-70-75 तक गई, मेरे ख्याल में 75 तक गई होगी। एवरेज बता रहा हूँ, 75 क्विंटल तक। तो इससे बड़ा घोटाला क्या होगा? धान पैदा नहीं हुआ और खरीद की गई, उसका नतीजा क्या हुआ? जो किसान हैं इनको 200-400 रुपए तक प्रति क्विंटल सस्ता बेचना पड़ा, MSP से भी कम। तो उसका घाटा कौन पूरा करेगा? इसी वास्ते हम बार बार CBI की जांच की इनको मांग कर रहे हैं, और सरकार जो है बात बात हमें टाल रही है। अभी तक कोई उधर कार्रवाई इन्होंने नहीं की। बेरोजगारी आज हरियाणा बेरोजगारी में पूरे देश में टॉप पर है, 28% दर है, और जो रूरल कंजम्पशन है वो हरियाणा में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है, उसमें 18%, और प्रदेशों में किसी में नहीं है। इसका ये क्या दिखाता है, व्हाट इट डिपिक्ट्स, कि आज जो किसान जो है, अगर उनके पास सामर्थ्य होता तो रूरल कंजम्पशन कभी कम नहीं होती। आज वो बिल्कुल कर्जे में डूबा पड़ा है, उसके पास बहुत दिक्कत का सामना कर रहा है। स्कूलों के मतलब जहाँ कई स्कूलों में तो टीचर ही नहीं है, और कई स्कूलों में जहाँ 500 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, कहीं 1,000 बच्चे हैं, वहाँ कहीं एक टीचर है, कहीं 2 टीचर है। मेरे पास सारा डाटा है, आप मैं दे सकता हूँ कितने स्कूलों में क्या हो। आज 40,000 शिक्षकों की जगह खाली पड़ी है, वेकेंट पड़ी है, और ये कोई आगे नहीं, शिक्षा ही नहीं आप दे पाओगे। जब कहते हैं हम इतने स्कूल बंद कर रहे हैं, भाई बंद करें तो कहते हम उनका इंतजाम करेंगे, बच्चे एक स्कूल से दूसरे स्कूल में चले जाएंगे, उसमें बस का इंतजाम करेंगे। टीचर तो लगा नहीं सकते, बस का इंतजाम कहाँ करेंगे। तो ये आज परिस्थिति जो आपके सामने है बहुत ही गंभीर वो है। मैं यही कह रहा हूँ भाई, जो अब
सौ दिन में जो इन्होंने किया कोई काम नहीं, बस एक ही मोटो लेके चले हैं, लुक बिजी डू नथिंग, ये इनका मोटो है। पहले 20 दिन तो इन्होंने निकाल दिए अपना महकमे बांटने में, महकमों का फैसला नहीं किया। फिर अगले 15 दिन निकाल दिए सीआईडी महकमे में, कौन सा किसके पास महकमा है। 20 दिन अब दिल्ली चुनाव में लगा दिए। अब 15-20 दिन से लगे हुए हैं प्री बजट, उसमें कभी अफसरों को बुलाते हैं, कभी विधायकों को बुलाते हैं, कभी एमपीओ से बात करते हैं, जब तक कि इकोनॉमी सर्वे आया ही नहीं। इकोनॉमी सर्वे आया ही नहीं किस आधार पे हम आगे बजट में वो करेंगे डिस्कशन। हमारे को यही पता नहीं आर्थिक स्थिति क्या है प्रदेश की, क्या दशा है आर्थिक स्थिति। तो ये सरकार दशाहीन और दिशाहीन है। कोई ऐसा रास्ता नहीं दिखाया जो लोगों से कहकर ये वोट लेके आए हैं, मैनिफेस्टो जो इन्होंने जारी किया है, जो लोगों से वायदा किया था, एक भी ऐसा कदम नहीं है इस सरकार का मेरे को लगता जो उस तरफ इन्होंने बढ़ाया हो लोगों से जो वायदा किया हो पूरा करने के लिए। तो ये आपके सामने है SYL का, जो कि हमारी लाइफ लाइन है हरियाणा के लिए। पंजाब तो मतलब कभी सर्वदलीय मीटिंग बैठक के ऊपर मीटिंग के ऊपर मीटिंग कर रहा है और यहाँ कुछ भी नहीं। कभी कहते हैं सुप्रीम, अरे सुप्रीम कोर्ट ने तो डिसीजन फाइनल दे दिया है, सुप्रीम का डिसीजन फाइनलिटी अटेन कर चुका है। ये जब आज से 3-4 साल पहले जब यहाँ सर्वदलीय मीटिंग हुई थी उसमें ये फैसला लिया गया था कि हम राष्ट्रपति को मिलेंगे और प्रधानमंत्री जी को मिलाने की जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी को सौंपी थी। तो राष्ट्रपति जी को हम मिलाए थे उस टाइम तत्कालीन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी को, और प्रधानमंत्री जी से मुलाकात नहीं हुई तो गृह मंत्री से मिले थे, और वहाँ एक्सपर्ट भी आए हुए थे जो एडवोकेट्स हैं। वहाँ हमने सवाल पूछा था कि आप आगे क्या कोई जरूरत, उन्होंने कहा कि ऑर्डर फाइनलिटी अटेन कर चुका है, अब तो एग्जीक्यूट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, इसने खोदनी है नहर, ये अपनी जिम्मेवारी ले। और आज बीजेपी की सरकार हरियाणा में है, बीजेपी की सरकार केंद्र में है, क्यों नहीं उसकी खुदाई हो रही, कोई उसमें वो नहीं है। कब वाई क्यों हरियाणा ने ये बात स्वीकार करी कि हम बैठ के बातचीत करेंगे कोर्ट में, जब कोर्ट का फैसला फाइनल हो चुका, प्रेजिडेंशियल रेफरेंस किया हुआ था, फैसला पहले से कोर्ट ने कर रखा था। जब पंजाब ने एब्रोगेट किया एग्रीमेंट, उस समय मैं सांसद था, मैं और जितने भी हरियाणा सांसद थे हम सब मिलकर तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को मिले थे, और उस टाइम ये फैसला किया गया था कि रेफरेंस के लिए भेजा। पॉइंट एक ही था, आया पंजाब एब्रोगेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग होली कि नहीं कर सकता, फैसला हो ही रहा है, अब क्यों देरी हो रही है इसमें, क्यों नहीं मैं तो आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, जो भी कदम उठाएंगे हरियाणा के हित में कंधे के साथ कंधा लेकर मैं उनके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, जहाँ हमारे घोड़ाए अड़े लेकिन करें तो कुछ। ये नीति लेके चलना लुक बुजी डू नथिंग, ये प्रदेश के हित में नहीं है। बाकी आप पूछो। देखिए ये प्री बजट जो है डिस्कशन, बजट तो दे हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। प्री बजट किससे कह रहे हैं आप, ऑफिसर से या किससे या विधायकों से? विधायकों से अलग कर रहे हैं, औरों के सुझाव मांग रहे हैं। अब विधायक क्या सुझाव देंगे? विधायक तो मैं समझता हूँ अपनी असेंबली की समस्याएं ही बताएंगे। बजट का जो हमारे पास यही नहीं पता कितना कर्ज हो गया हमारे ऊपर, कहाँ से रिसोर्सेज जुटाएंगे, कहाँ से आएंगे, तो क्या डिस्कशन होगा? वो तो सुझाव तो सब देते, सबको मालूम है, लेकिन अब पहली दफा ऐसा इन्होंने कहा है। अब बात तो उस दिन ये हुई थी हाउस में कि भाई यहाँ प्री बजट डिस्कशन असेंबली का सेशन बुलाया जाएगा उसमें होगा, वो टेक्निकली कर नहीं सकते क्योंकि गवर्नर का एड्रेस ही नहीं हुआ था,
तो डायरेक्शन ही नहीं किधर की किस सरकार जाएगी, तो इस वास्ते इट इज शिफ्टेड टू, मेरे से मुख्यमंत्री जी की बात है कि भाई हम ये स्थिति है कहीं बाहर कर ले, मैंने कर लो जहाँ भी मर्जी, तो बाहर शिफ्ट किया उन्होंने। लेकिन जो जिस मकसद से कहा था वो तो सर्व नहीं होगा, क्योंकि अभी तक इकोनॉमी सर्वे नहीं आया स्टेट की, हमारे को आर्थिक हालत नहीं पता। लेकिन विधायक अपने अपने सुझाव दे देंगे, जो मैं जाऊंगा एक दिन जाऊंगा। एक मिनट, वो भी वो तो सब मैं आप ओपन करूंगा ना आपको। तो ये मैं तो नहीं कह रहा हूँ, ये तो उनके बयान आ रहे हैं, इतना पैसा हमने वहां दे दिया, इतना पैसा वहां कर दिया, तो इसका मतलब बजट तैयार है, आपके अखबारों में छप रहे हैं। वो तो मैं कह रहा हूँ, मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, लुक बिजी डू नथिंग। कर्जा देखिए, 14 में जब हमने बजट पेश किया, मैं मुख्यमंत्री था, तो प्रदेश में कर्जा 61,000 करोड़ था, और अब जो मेरे को मालूम है कि 1,81,000 करोड़ को क्रॉस कर गया 66 से लेकर, और 2014 तक तो 61,000, जबकि 4 पावर प्लांट लगाए हम उसमें, मेट्रो और कितने इंस्टीट्यूट बनाए, हर किस्म का वो किया, IMT बनाए, जमीन एक्वायर की, इन्होंने 1 इंच जमीन एक्वायर की हो तो वो बता दो, कहीं एक कोई पावर प्लांट लेके आए वो बताओ, 1 इंच मेट्रो बढ़ाई वो बताओ, 1 इंच रेलवे लाइन बढ़ाई वो बताओ, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी लेके आए वो बताओ। गवर्नमेंट आते ही 2014 में इन्होंने कहा था कि हम करनाल जो मेडिकल कॉलेज था हमारे से बना हुआ था, कल्पना चावला के नाम से, इसको मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तो भाई आप सब जाके एक बार करनाल टटोलाओ, कहाँ है मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो ये स्पीड है, सिर्फ स्पीड एक चीज में पकड़ी हुई है, वो बुलेट ट्रेन की स्पीड से चल रही है, भ्रष्टाचार। चाहे वो माइनिंग घोटाला हो, चाहे धान का घोटाला हो, तो ये, और जांच नहीं हो रही, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। जब उनका अफसर कह रहा है, ACS कह रहा है कि 90 करोड़ का हुआ, वो खुद मान रहा है मिल, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है भाई, देख लो आप कितनी पैदा धान बोया गया है, कितना, वो तो अपनी फसल अपनी ब्यौरा में सब रिकॉर्डेड है, सब किसानों का रिकॉर्डेड है, उसे आप देखो कितना धान होगा। कोई ये कहे कि हरियाणा में किसान इतना तरक्की कर गया है कि 70-75 क्विंटल प्रति एकड़ एवरेज आती है, तो मेरे को कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं, फिर कोई इंक्वायरी करने की जरूरत। ये कहे हाँ, हरियाणा में एवरेज जो है 75 क्विंटल की आई है, आ सकती है, आई डोंट नीड, फिर कोई जरूरत नहीं। जितनी आज तक जांच हुई है वो किसी ने लिख के दी है, ये सरकार की जिम्मेवारी है, किसी ने रोका है इनको जो मर्जी कराए, लेकिन इसकी तो जांच कराएं, धान के घोटाले की, तो जो ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, जो उन्होंने खुद स्वीकारा है, उनके अफसर ने स्वीकारा है कि घोटाला हुआ है, 90 करोड़ का घोटाला हुआ है, शायद मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, फिर जांच क्यों नहीं हो रही। देखिए मैं व्यक्तिगत बात नहीं कहता हूँ, लेकिन जो पहले CBI की मुकदमे चल चुके हैं, कुछ लोग सजा काट रहे हो, किसी ने लिख के दिया था, कोर्ट ने ऑर्डर किया था, अब मेरे खिलाफ भी CBI के मुकदमे चल रहे हैं, चाहे राजनीति से प्रेरित हैं, लिख के दिए किसी थे किसी ने, ये सरकार का काम है। बिल्कुल
बिल्कुल, जब भी तो मैं इकोनॉमिक सर्वे क्यों मांग रहा हूँ बार बार, व्हाइट पेपर 2014 में इन्होंने सरकार आते कहा था कि व्हाइट पेपर इशू करे जब इनके, तो अब हम व्हाइट पेपर इशू करेंगे, किया उस टाइम 61,000 करोड़ था, अब वो व्हाइट पेपर इशू करना क्यों भूल रहे हैं? कर्जा में डूब रहा है हरियाणा, आज इनके पास तनख्वाह देने का पैसा नहीं, 40,000 टीचर्स की वैकेंसी बाकी है, उनको भर्ती कर देंगे, तो ये व्हाइट पेपर तुरंत सरकार को देना चाहिए ताकि हमारे को पता लगे कि हमारे प्रदेश की आर्थिक हालत क्या है। आज अगर आप देखें तो एक बच्चा पैदा होता है तो 72,000 रुपये का कर्जा लेके पैदा हो रहा है आज हरियाणा। पहले से है ये, आप जितना भी चाहे हुड्डा के प्लॉट हो, चाहे इंडस्ट्रियल प्लॉट हो, चाहे HSIDC के हो, वो 2011 का EMP उठा के देखो आप, उस EMP में प्रावधान है वो कि 75% अनस्किल्ड को और दूसरे में प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। अब अनस्किल्ड का इन्होंने किया, ये कोई वही तो कह रहा हूँ डू नथिंग में चल रहे हैं, या तो ये सबका 75% करते, कोई करते भाई फिर को बात है, ये तो वही हो गया जिस तरह पोस्ट ग्रेजुएट MA BA इन्होंने चपरासी लगा दिए और वो बेचारे प्राइवेट में टीचर पढ़ाते हैं और वहाँ चपरासी लगा दिए, ये ऐसा ही काम करा इन्होंने, कोई मायने नहीं, और ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। वो तो वहाँ बताएंगे ना, वहाँ बताएंगे, देखो ये तो प्रजातंत्र है, प्रक्रिया है, अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है भाई टेक्निकली हम वहाँ नहीं कर सकते हैं, वहाँ कर ले, वाई शुड आई ऑब्जेक्ट, मेरे को एतराज भी नहीं, जाएंगे वहाँ अपने अपनी बात कहेंगे। बताए थे ना मैंने आपको, बताए तो थे, मैं नटशेल में बता दिया कि प्रदेश को भाषण के नहीं अब शासन की जरूरत है। बताएं कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है आज, बेरोजगारी की क्या स्थिति है, इस बात की क्यों नहीं चर्चा करते, किस किस्म के काम है, मैं कोई ज्यादा डिटेल में जाता, लेकिन 101 काम पढ़ के देखना आप किस किस्म के काम है। ये भी काम बहुत बड़ा बताया है कि विधायकों को 5 करोड़ हमने, सबसे पहले वही अचीवमेंट उन्होंने बताई है, 5 करोड़ हमने दे दिए, आज तक गाइडलाइन नहीं उसकी। मैंने ADC से पूछा भाई तुम्हारी गाइडलाइन हो ले आओ, बोले जी हमारे पास तो गाइडलाइन नहीं आई, कहाँ खर्च करेंगे हम। उनके एक विधायक का बयान आया था कि भाई हम बताए तो सही, हम गौशाला में दे सकते हैं नहीं दे सकते, जैसे MP डेवलपमेंट फंड होता है उसकी तो गाइडलाइन है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। और कहा हमने ठेके बंद कर दिए बड़ी भारी उससे, ये तो पहले से प्रावधान है, जब भी पंचायत की उपवास करती थी वो कर दिए। अब मेरे को तो व्हाट अबाउट सिटीज, वहाँ के वार्ड वाले अगर 10% लोग कह देंगे भैया ठेका नहीं खोलना चाहिए, तो उनका कोई मतलब नहीं, वो तो खोलेंगे, वो तो कमर्शियल क्षेत्र में भी खोलेंगे, और पंचायत का पहले ही प्रावधान था। तो ये है भाई उनकी अचीवमेंट, एक जो उनमें जो हाँ जी परमाना जी बोलो, हाँ जी ऐसा है जी, देखो वजह तो बाद में बताऊंगा मैं आपको, लेकिन जो जनादेश होता है उसकी मैं सदा रिस्पेक्ट करता हूँ, प्रजातंत्र में इट हैज टू बी रिस्पेक्टेड। लेकिन जो आपने कांग्रेस की बात बताई, ये वाकई एक चिंता का विषय है और इसका आत्म मंथन होना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पे, और आगे की नीति कांग्रेस को बनानी चाहिए, सेल्फ एक्शन कहते हैं ना उसको करना चाहिए, आत्म मंथन करना चाहिए। है
देखिए सवाल इस बात का नहीं है, हार जीत प्रजातंत्र में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, दो लड़ेंगे तो एक हारेगा एक जीतेगा, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। लेकिन कांग्रेस का जो ये आया है उसमें ये वाकई चिंता का विषय है और पार्टी को इसकी गहनता से इसका चिंतन करना चाहिए। एक दिल्ली की बात नहीं, पूरे राष्ट्रीय लेवल पे करना चाहिए और आगे की रणनीति बनानी चाहिए। किस चीज के लिए वो छापेमारी? देखिए मैं कह चुका हूं जिस स्पीड से बुलेट ट्रेन की जगह भ्रष्टाचार फैल रहा है तो ये उसका नतीजा है, उसी वास्ते करें। हर जगह शिकायत, छोटे से बड़े लगे हुए हैं। अब मैं सुशासन कहूं, उनके उनका सुशासन है, मेरे हिसाब से कुशासन है। हैं? और मैं तो कह चुका हूं नहीं, कुशासन जब जो चल रहा है सब में बताया ना, तो आपस में कोई समावेश है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। है जी, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए वो? तो आप सेकुलर नहीं है क्या? सेकुलर पार्टी में चले गए कोई बात नहीं, इसी वास्ते मैं कह रहा है कि भाई चिंता का विषय है, इसका चिंतन होना चाहिए। मैंडेट जो भी लोग देते हैं उसका सम्मान करना चाहिए, जनादेश का सम्मान करता हूँ। नहीं कोई नई चीज नहीं, लोग मतलब बीजेपी को हराना चाहते थे इस वास्ते वो एक जगह हो गए। दैट इज वाई आई एम सेइंग कि कांग्रेस को ये बड़ा चिंता का विषय है, कांग्रेस का इसका इसको चिंतन करना चाहिए, क्योंकि कंट्री नीड्स कांग्रेस, कांग्रेस हैज टू। वो कौन क्या कह रहा है वो उनका जाने, जो मैंने बात जो मैडम जो मैंने कहा मैं वो कह रहा हूँ। मैं तो कह चुका मैं इंटरसेप्शन होनी चाहिए, इंटरसेप्शन होनी चाहिए और गहन से मंथन होना चाहिए, आगे की रणनीति बनानी चाहिए। कांग्रेस इज फॉर कंट्री, कांग्रेस हैज फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री, इट इज द मॉरल ड्यूटी ऑफ द कांग्रेस टू फाइट फॉर द कंट्री। लीडर है हमारे, से कर्जा लेके दे रहे। चार वाक की नीति थी ये, कर्जा लो घी पियो मरने के बाद कोई नहीं पूछेगा, चार वाक की नीति पे चल रहे। अरे 5 साल में कितने गुना कर्जा बढ़ गया, 66 से लेके 2000 तक तो 61,000 करोड़, और 2000 से 14 तक अब 20 तक मतलब 1,81,000 करोड़ से ज्यादा हो गया। कौन सा इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है, कहाँ आईएमटी बनाई है, बताए ना मेरे को।
नहीं, उन्होंने कहा मैं जवाब नहीं मांग रहा, मैं काम मांग रहा हूं। मैं जवाब ही नहीं मांग रहा, मैं तो काम मांग रहा हूं। मैं कहा काम करो प्रदेश का, जो मेरे को जवाब मत दो, जिन जो 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 लोगों से वायदा करके आए हो, जो वायदा किया वो पूरा कर दो। मैनिफेस्टो है दोनों पार्टियों का है कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये काम करेंगे, तो ये बता दे भाई हमने ये वायदा किया था, हमने ये कर दिया। मैं कब कह रहा हूं अपना जो वायदा किया हुआ वो पूरा कर दो। तो मेरे लिए टाइम ना हो मेरे को कोई इतराज नहीं, मैंने कब कहा मेरे को मेरे लिए टाइम दो, लोगों के लिए तो टाइम दो। हैं? मैं भी गंभीरता से लेता हूँ जो भी बात कह रहा हूँ आपको। मुख्यमंत्री जी ने कहा बाहर करो करो, मैंने कहा आज वो कहे SYL के लिए चलो चलते हैं, चलो जहाँ हरियाणा का हित होगा जनहित होगा मैं डट के साथ दूंगा, और जहाँ जनहित नहीं होगा उसका डट का विरोध करूंगा सड़क से लेकर विधानसभा तक। जब मेरे हरियाणा के लोग ही बेरोजगार हो गए आज हिंदुस्तान में नंबर 1 पे आ गए तो हमारी क्या गिनती रहेगी। मैंने बताया भाई रूरल कंजम्पशन 18% घट गई, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज 28% फ्रॉम 2.8 to 28% 20 times, तो फिर हमारी क्या गिनती है। जब मेरे प्रदेश के लोग ही बेरोजगार हो गए, बेरोजगार तुम भी होने वाले हो जल्दी, कोई बात नहीं। कांग्रेस का मुद्दा तो एक सबसे बड़ा यही है कि जो वायदा किया तो बताओ तो सही क्या कर रहे तुम उसके बारे में। कांग्रेस का मुद्दा यह है कि आज किस स्थिति में किसान है, किस स्थिति में गरीब आदमी है, कानून व्यवस्था क्या है, मुद्दे ही मुद्दे हैं। थैंक यू। नाश्ता करो जी जनाब, ज्वाइन ज्वाइन मी फॉर ब्रेकफास्ट। शर्मा जी आ गए हैं, चलो।